प्रणाम, जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पढ़ुआ ककाक आभासी चौकी पर साई 114 चौकीबाजी आई भेल फेब्रुअरी मासक 10 तारीख सन 2024 विक्रम संवत 2080 के माघ मासक 27 गते शनि दिन। एहिसँ पहिले आयल छलहुँ चौकीबाजी करऽ दियाबातीके शुभकामना देबय लेल नवम्बर मासके 12 तारीख सन 2023 के अंग्रेजी पत्राके साल बदलि गेल। चौकीबाजी कयला लगभग 3 महीना भऽ गेल। किछु दिन देशसँ बाहर छलहुँ, लम्बा तऽ नहि लगभग 1 महीना, लेकिन विदेशके यात्राके तऽ जानबे करै छियै, किछु दिन यात्राके तैयारी, तकर बाद यात्राके अनुभव आ यात्रा उपरांत के खुमारी उतरह में तो समय लग जाए थे ना अपना सबके। लेकिन मुदा फिर से एकालाप के लिए हाजिर छी, हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी साँझ में। आ देख सुन के तो अपन अपन सुविधा अनुसार छै हे, अहाँ सब के जे प्रतिक्रिया कहियो काल भेटघाट में कहियो काल ईमेल से भेटय तो लागत रहे जे ठीके से ई काज चौकीबाजियो एकटा नीके भऽ रहल छै। तो शुरू करी सन 2023 के विदाई आ सन 2024 के स्वागत क के। सन 2023 सामान्य रहल, किछु खटगर, किछु नूनगर, किछु मीठ, किछु करू, किछु तीत, किछु अखथाइन आ किछु सोअदगर, जकरा कहै छै ने अंग्रेजी में उमामी शब्द प्रयोग करै छै, अजीनोमोटो के मसल्ला के स्वाद जका, मशरूम के स्वाद जका। विश्व मंच पर यूक्रेन के युद्ध चलिए रहल है, अखनो गाजा में इजरायली नरसंहार चालू छै, संसारे भर आर्थिक समस्या, नेपाल में से हो ओहि पार से हो बेरोजगारी बढ़ रहल छै, यद्यपि कहै छै जे नहि अमेरिका में से बात नहि छै, लेकिन बढ़ रहल छै, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहल छै, एकटा दक्षिणपंथी राजनीति के जे बड़का चढ़ाव देखा रहल छै दुनिया भरि में। आ ओना तऽ कहै छै जे सन 23 तब गेल तऽ जो बीत गई सो बात गई, कहै छै हिंदी में एकटा। स्वागत करी सन 2024 के, ई 4 वर्ष में एक बेर आबय वाला लीप ईयर अंग्रेजी में कहै छै, अर्थ होइ छै जे फेब्रुअरी में 29 दिन हेतै अंग्रेजी साल के अनुसार। चाइनीज नव वर्ष आइएसँ शुरू भऽ रहल छै, फेब्रुअरी 10-15 धरि मनाओल जाइ छै, लैंटर्न फेस्टिवल के साथ 15 फेब्रुअरी के समाप्त होइ छै। तऽ एहि बेर चाइनीज न्यू ईयर, ईयर ऑफ द वुडन ड्रैगन कहै छै, काठ के जे एकटा अजंग के जानवर तकरा नाम पर भेल वर्ष, तऽ साहस के वर्ष, आठ के वर्ष, तऽ सबके चाइनीज नया वर्ष के शुभकामना। आ एहि पार नेपाल में आ ओहू पार खास कऽ के दार्जिलिंग क्षेत्र में, तकर बाद सिक्किम में, असम में, बहुत औरो जगह पश्चिम बंगाल में तामांग सबके सोनाम लोसार होइ छै, तऽ सोनाम लासार के सेहो, सोनाम लोसार के सेहो बहुत बहुत शुभकामना। लोसार के उच्चारण हमरा ठीक सँ नहि करायल, हम माफी चाहै छी। अंग्रेजियो में ओकरा नीक से लिख सकै छै ने, देवनागरी में तामांग भाषा के शब्द छै, तामांग साथी सबके उच्चारण सुन के लगे जे हमू कर सकती, लेकिन कनी मुश्किल भ जाय छै। त तामांग साथी सबके खास क के सोनाम लोसार के बहुत बहुत शुभकामना। आ नव वर्ष के शुभकामना सन 2024 के सब गोटे के तो छै, शुभकामना के लेल कोनो बहाना चाही। लोसारे नेपाल में 3टा होइ छै, नेवा समुदाय के नव वर्ष दोसर होइ छै, विक्रमीय संवत मानय वाला लोक, ई अंतर्राष्ट्रीय कॉमन एरा के नव वर्ष मानय वाला के लोक, तो किछ न किछ जीवन में उत्साह भर के, उमंग भर के, आशावादिता जगाव के, तो सबके अपन अपन मनाबय वाला एकटा अवसर चाही, तऽ से एकटा नया वर्ष भऽ जाइ छै।
चाइनीज इयर अफ द वुड ड्रैगन सन 2024 के लेल या नववर्ष 2024 के लेल कॉमन राखे सबके फेर से एक बेर शुभकामना। आ कहलूँ जे आई 10 तारीख तो भैय गल न, हाँ 10 तारीख भगल आई तो फेब्रुअरी 14 के अब देखियो न कतेक बढ़िया संजोग पड़ल है, बसंत पंचमी आ प्रणय दिवस एक दिन पड़ल है। बसंत पंचमी के दिन बसंत श्रवण से बसंत आगमन के घोषणा होइ छै काठमांडू में, नेपाल उपत्यका में बहुत दिन से चल आयल चलल अखनो छै। हनुमान ढोका दरबार में बसंतपुर दरबार में बसंत श्रवण पहिने राजा करे छलै, आइकाल्हि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य सब, ई परंपरा के निरंतरता देल गेल छै। आ सरस्वती पूजा सेहो होइ छै बसंत पंचमी के दिन। आ जे तांत्रिक पद्धति के प्रचलन छै संभवतः रति काम पूजा सेहो बसंत पंचमी के दिन कयल जाइ छै, तो प्रेमोत्सव भेलै। आ वैलेंटाइन्स डे सेहो प्रेमोत्सव, तो दुनू संत वैलेंटाइन आ रति काम पूजा एक दिन में पड़ल, तो प्रेमी प्रेमिका सबके संत वैलेंटाइन के दिन के शुभकामना, रति काम पूजा के शुभकामना। गुलाब फूल आ चॉकलेट से मनाबा वाला दिन आई श्रीमती जी सुनबै छलखिन जे प्रपोज डे छै वैलेंटाइन डे, अब लम्बा भऽ गेल छै जेना दीपावली तिहार लम्बा भऽ जाइ छै, दशहरा लम्बा भऽ जाइ छै, वैलेंटाइन डे सेहो रोज डे प्रपोज डे की सब छै। मुदा शुरुआत तऽ संत वैलेंटाइन डे से शुरू भेल। आ ओहिसँ जुड़ल एकटा बात छै जे प्रेम तऽ अवश्य करी, सबसे प्रेम के उच्चतर स्तर होइ छै जकरा कहै छै अपने आप से प्रेम कनाई। आ अपने आप से प्रेम कनाई के अर्थ आत्मरति या नार्सिसिज्म से नै, अपने आप के प्रेम कनाई के मतलब होइ छै अपना के आइ जेहन छी ओहिसँ नीक बनाबऽ के लेल सदा प्रयत्नशील रही, जकर प्रतीक सरस्वती पूजा मानल जाइ छै। ज्ञान के ज्ञान सँ प्रेम जे छै से सबसँ शुद्ध प्रेम छै। ज्ञान जँ बढ़त तऽ अपन ज्ञान जँ बढ़त तऽ अपने आप सँ प्रेम बढ़त। आ अपने आप काल्हिसँ आइ ज्ञानवान आ परसू फिर और ज्ञानवान, तो ओहिसँ संतुष्टि, ओहिसँ ईश्वर के नजदीकी, ओहिसँ दुख के अनुभव कम, सुख के अनुभव बेसी। ज्ञान के से एकटा चरित्र होइ छै जे अहाँके दुख के अनुभव के घटा दै छै, सुख के अनुभव के बढ़ा दै छै, तो जीवन संतोषप्रद होबय लगै छै। तऽ ज्ञान से प्रेम बढ़ाबऽ के प्रेरणा भेटे अइ बसंत पंचमी के दिन, रतिकाम पूजा के दिन या संत वैलेंटाइन्स डे के दिन सेहो शुभकामना अइ। आ अपना सब देश मिथिला में तो सरस्वती पूजा एकटा बड़ा बेढंग के कनी भऽ गेल छै, देखावा किछु बेसी। आ उहे रोग ससरत ससरत नीचा से काठमांडुओ में आबि गेलै। हमरा याद है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में पुलचौक में तराई विद्यार्थी संग बड़ा सामान्य ढंग से सरस्वती पूजा करै छलै, ठीक से हमरा ध्यान नै, सन 80 के दशक में होबक चाही। ओहिठाम के विद्यार्थी सब याद है हमरो, अखनो दीपक शाह एकटा अग्रसरता लै छल, एकटा और विद्यार्थी रहथिन, हमरा अखन नाम ध्यान पर नहीं आबि रहल है। तो कनि आइकाल्हि बेसी तड़क भड़क भऽ गेलै काठमांडू में से जे होइ, लेकिन एकटा काठमांडू में मधेशी विद्यार्थी के एक बद्धता के केन्द्र बनलै इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के सरस्वती पूजा। तो जँ काठमांडू में छी, विद्यार्थी छी, आ विद्यार्थी तो लोक के ज्यादा जीवन छै, तो विद्यार्थिये छियै ने, किछु ने किछु सीखैत रहै छियै। तऽ मधेशी ऐक्यबद्धता देखाबऽ के लेल यदि मौका भेटे, समय रहे, फुर्सत रहे,
द इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के सरस्वती पूजा में शामिल हुई, ओहिठम जाकर दर्शन करी, प्रसाद ग्रहण करी, जिनका आस्था छन आ जिनका आस्था नहीं छन बुझे छे जे नहीं ई सब किछु नहि होइ छै पूजा पाठ नास्तिक प्रवृत्ति के अनिश्वरवादी प्रवृत्ति के तिनको सब एक मधेशी ऐक्यबद्धता देखाब के अवसर छै, एकरा सांस्कृतिक उत्सव के रूप में लिए आ शामिल हो सेहो अनुरोध विद्यार्थी सब हमरा नहीं कहले तो अनुरोध कर के ले, लेकिन हम अपने तरफ से कह दे रहल छी। सन 2024 के शुरुआत यदि कहबे तो बड़ा उत्साहजनक किछो से हमरा दृष्टिकोण से नहीं रहल है। हिंदुत्व राजनीति के उत्कर्ष से भेल ओहि पार भारत में अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा ई अपने आप में एकरा की कहबे निष्पक्ष रूप से देखियो तो हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय के राम के विष्णु के अवतार मानय वला के लेल रामानंदी संप्रदाय के होए या रामानुज संप्रदाय के हो तिनका सबके लेल एकटा महत्वपूर्ण अवसर जरूर छै, लेकिन एकटा सब हिंदू के बना देनाय जेनाकि कैलिफोर्निया शिकागो में विश्व में रह वला हिंदुत्ववादी सब कार रैली टेस्ला रैली की कलके, लेकिन एकटा अहू में हमरा कनिक उत्साहजनक बात जे लागल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे कि जय श्री राम के युद्ध घोष करे छलखिन से कनिक युद्ध घोष प्रेमिल बात सियावर रामचंद्र जी की जय तई पर से कम उतरलाहा तो प्रेम भाव संभवतः लागे जे भारतीय जनता पार्टी के लेल रामलला के उपयोगिता समाप्त भ गेलै। आब किछु और मुद्दा उठत सामान्य जन के ध्यान भटकावे के लेल एकटा नारा देल गेल छलै ने काशी मथुरा बाकी है तो से तकर एकटा प्रमाण तऽ ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के बोर्ड लगा कर देखा देलखिन हिंदुत्ववादी राजनीति कर्मी सब, लेकिन ई राम मंदिर के जे देखबे एकटा राजनीतिक प्रोजेक्ट छले, धर्म से एकरा किछो खास लेना देना नहीं, हिंदू के अपन पूजा पाठ करे में अपन संस्कृति में कहियो कोनो रुकावट तो नहीं रहले ने, शायद हिंदू धर्म मानव वाला के लेल चाहे बौद्ध काल के बात करी या जैन काल के बात करी या मुगल काल के बात करी या कि कहबे जे अंग्रेज काल के बात करी सबके तुलना में संभवतः हिंदू धर्म मानव वाला के लेल सबसे नीक समय जखन धर्मनिरपेक्षता रहले तखन रहले, जे एकटा धर्मनिरपेक्षता के वातावरण में सर्वधर्म समभाव सर्वधर्म समन्वय के परिस्थिति जे बनैत रहले ओकरा बिगाड़ि के फेर से एकटा कुंठा के विस्फोट के रूप में देखबै भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी में के हत्या में जखन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संलग्नता के शंका भेलै तकर बाद से राम मंदिर विवाद शुरू भेल सन 1949 से, अंग्रेज के समय में ताला लागल बाबरी मस्जिद में जबरदस्ती चोरा के मूर्ति राखल गेलै, तकर बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनीतिक मोर्चा जे भारतीय जनसंघ बनलै से राजनीतिक रूप से बहुत नीक नहीं कर सकले, लेकिन इंदिरा गांधी के आंतरिक आपातकाल इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी के सफाया के बाद अटल बिहारी वाजपेयी आ लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में पुरान जनसंघ के नेता सब अलग भ गेलखिन आ 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी नाम के पार्टी के स्थापना भेल। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के की लगलै जे एकरा राजनीतिक रूप से आगा बढ़ाबे के लेल धर्म के आ राजनीति के से जोड़ पड़तै आ कोन किसिम से जोड़ पड़तै तो राम के एकटा जे प्रारूप छै तुलसीकृत रामायण के जे लोकप्रियता छै उत्तर भारत में गंगा मैदान में जाधर ओकरा नै भजैबै तऽ भारतीय जनता पार्टी अपना के स्थापित नै कर सकैए।
सन 1984 में राम जन्मभूमि के मुद्दा पर दिल्ली के विज्ञान भवन में सबसे पहला धर्म संसद भेले। ताहिके बाद सब भेल बात उठले जे राम मंदिर आंदोलन के रूप में चलायल जाए। आ कतेक लोग अपना क्षेत्र में नहीं जानै थे भाई, लेकिन आश्चर्य लागत जे धर्म संसद भेले दिल्ली में, लेकिन दिल्ली से पहिल का राम आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन नहीं शुरू भेले। सन 1984 में राम मंदिर आंदोलन के शुरुआत सबसे पहिने तहिया हिंदू अधिराज्य कहल जाए नेपाल, तो जनकपुर से पहिल का यात्रा निकलले। राम मंदिर के पहिल का यात्रा दिल्ली से नहीं, सीतामढ़ी से नहीं, या गुजरात से नहीं, जनकपुर से शुरू भेल रहे। तेकर प्रमाण अहाँ के जो पुरान लोग सब छथि मंदिरों में, वो सब सुना देता जो शुरुआत है जनकपुर से भेल रहे। लेकिन ओकरा आगा बढ़ाव में भारत के जे खास कर के वाणिक समुदाय है, भारतीय जनता पार्टी, चाहे उससे पहले जनसंघ रहल होय, ब्राह्मण बनिया के पार्टी कहल जाए, तो ये ब्राह्मण बनिया में पाकिस्तान से शरणार्थी बकायल जे भारत के हिंदू सब, तेकरा सब के जोड़ के केना के एकरा बढ़ाबी, तो में रामायण एकटा टीवी मार्फत, टीवी एकटा नया माध्यम के रूप में फिल्म से संतोषी माता, रामायण, महाभारत सब बनले रहे, टीवी के माध्यम से एकटा टीवी श्रृंखला रामानंद सागर के लेखन आ निर्देशन में कहिया शुरू भेले, शायद हाँ 26 जनवरी नहीं 27 जनवरी 1987 से शुरू भेले, आ 31 जुलाई 1988 तक रवि के हरेक दिन भिनसर 9:30 बजे से 78 श्रृंखला रामायण के जे भेले से बुझू जे एकटा बड़का आंदोलन ठाड़ कऽ देलके हो। हमरा याद है गाम पर सुगा में बहुत कम तो या टीवी रहे, सबके घर में तो बिजली के लाइनो नहीं, टीवीओ नहीं, तो हमरा याद है जो वही दिन रूम से उठा कर दलान पर टीवी राखल जाए, आ टोल भर के लोग आबि के से देखला दलान पर बैसक के, अखनो याद है। आ श्रृंखला खत्म भेले आ वही के जस्ट किछुए दिन बाद सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद घोषणा कैलकै जे अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास हेतै। बड़का विवादित, लेकिन वैसे पहिने तो ओहिठाम बाबरी मस्जिद छै, लगभग कै शताब्दी से ओहिठाम रहल भसकैए, वैसे पहिने किछु दिन मंदिरो रहल होय, ओकर विवाद नहीं कैल जा सकैए, वैसे पहिने भ सकैए जे कोनो बौद्ध स्तूप रहल होय, वैसे पहिने भ सकैए कोनो शिव शिवालय रहल होय, वैसे पहिने भ सकैए कोनो पुरखा के पूजा करय वाला की होय छै, जेना शक्तिपीठ जे के जे शब्द आयल छै, प्लेसेस ऑफ इनर्जी, शक्ति के पीठ पर एके ठाम एक पर दोसर बननाइ संसार में कोनो नया बात नहीं छै, शक्तिशाली व्यक्ति सब अपन शक्ति के प्रदर्शन हिसाब से करे छै, तो बहुतो शताब्दी में चरणबद्ध रूप से एक के ऊपर दूसर बनल होई, तकर संभावना से इनकार नहीं कैल जा सकैए। आ सीधा सीधा सर्वोच्च अदालत भारतों के जखन निर्णय लेलके तो कहलके जे नहीं, कोनो प्रमाण तो नहीं छै जे मंदिर छलै, लेकिन भावना जोड़ल छै ते दुआरे मंदिर बनतै, तो उ ता राजनीतिक निर्णय, अदालत एकटा कानूनी निर्णय लक नहीं लक राजनीतिक निर्णय लेलके। आ ओहि राजनीति के शुरुआत लालकृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा 25 सितम्बर 1990 के ई शुरू कैलखिन से नय अयोध्या से आ नै जनकपुर से, ई शुरू भेल सोमनाथ से, गुजरात से राजनीतिक यात्रा, जे यात्रा से जन्मल नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीति से पत्ता साफ केनाइ जे कहे छै, तो अपन पत्ता साफ करे के शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी अपने कलखिन। रथ यात्रा शुरू भेले आ शायद 30 अक्टूबर के समाप्त भेले।
आब देखियौ तकर बाद की होइ छै, ई रथयात्रा उन्माद पूर्ण भऽ गेलै। तकर बाद भऽ गेलै जे ईंटा पहुँचाबके, राम मन्दिर बनाबके लेल से आन्दोलन। लेकिन ओहिसँ पहिने 1527 ईस्वी सनमे बुझियौ तऽ आधा सहस्राब्दि लगभग पहिने, ओहिसँ बेसी खासमे नहि, लगभग अखन 2024 छै, आधा सहस्राब्दि पहिने मुगल सम्राट बाबरके आदेश पर बाबरी मस्जिद बनल रहै, तहिया फैजाबाद ओकर नामकरण भेलै। अयोध्यामे 6 दिसम्बर 1951 के बड़ा व्यवस्थित ढंग से, जेना योजनाबद्ध तरीका से ओकरा ध्वस्त कऽ देल गेलै। आ फेर अंतिम निर्णय तऽ 9 नवम्बर 2019 के हमरा याद अइ, हम रही अमृतसरमे, केस छटा भऽ गेल रही तऽ नाई सब किछु उत्तर प्रदेश दिसके, बिहार प्रदेश दिसके, अहाँके पंजाबोमे भेट जायत जेना काठमाण्डूमे भेट जाइ छै तहिना, तऽ ओ नाई कहै, ओ बड़ा गौरव ओकरा, जे देखियौ आब तऽ अदालत आदेश देलकैए तऽ आब तऽ केओ नहि रोकऽ सकैए, तऽ जे ओ जगह जगहसँ ईंटा लऽ जाके, हमरा अहू दुआरे कनि याद अइ जे जनकपुरसँ सेहो ईंटा गेलै, चाँदीके ईंटा, सोनाके ईंटा। जलेश्वरोसँ हनुमान मन्दिर छै, ओकर पुजारी गाँव घरसँ जे के ईंटा लए पाइ देबै से ओतौसँ जेतै चाँदीके ईंटा, तऽ हमर बाबूजी कहलखिन जे ओ रामानंदी संप्रदाय के जानकी मंदिर हनुमान मंदिर से जा रहल छै, तो अपनो सब के किछ करक चाही। तो हमरा लागल जे सांस्कृतिक रूप के छै, एते कि राजनीतिक आंदोलन के छै से कनी मनी शंका त रहे, नीक से नहीं बुझने रहे। बाबूजी कहलखिन तो बाबूजी के बात के नहि कह के सामान्यतया नहि होइ छै ने अपना सबके संस्कृतिमे, तऽ हमरो घरसँ ईंटाके लेल किछु योगदान गेल अइ। एहि बातसँ कहब तऽ हमरा नहि गौरव अइ एहिके, आ नहि एहि बातसँ हम लज्जित छी। एकटा परम्परा छै, चलि आयल छै, लेकिन एहिके जे असर भेलै से हम ताहिसँ, जे एकटा हत्याकाण्ड मचि गेल गुजरातमे, नरसंहार जकरा कहै छै, एकरे लऽ कऽ आ एकटा बड़का ऐतिहासिक जे कहबै आधा सहस्राब्दी ढाँचाके मस्जिदके तोड़ल गेलै, से अवश्य सर्वधर्म समभाव राखवला व्यक्ति सबके लेल लज्जास्पद घटना भेलै। तऽ ई 9 नवम्बर 2019 के सर्वोच्च न्यायालयके विवादित फैसला के बाद से राम मंदिर बनाब के लेल ट्रस्ट के देव के से आदेश भेल, संगे संगे एक मस्जिद बनाब के लेल से आदेश दल गए। मस्जिद के आदेश जहाँ के तही छै, लेकिन उ राम मंदिर वाला बात से तकर बाद से दोसरो चुनाव अपन सब असफलता के बावजूद नरेंद्र मोदी जी के आ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव बढ़त गेल। 5 अगस्त 2020 के मंदिर के भूमि पूजन भेल, आ 22 जनवरी 2024 के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कलखिन। आँखि त आब वाला निर्वाचने पर छै है, आ कहे छलखिन कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, हिंदुत्ववादी राजनीति के तो मंदिर तो बन गेलियो जी, आब की भोजन के लेल परिश्रम की पुस्तो पुस्त भोजन छोड़ के आ भजने करते रहे, भजन से भोजन तो नहीं भेटे। जनसंख्या बाहेक, जनसंख्या तो संसार में सबसे बेसी भारत के, लगभग सबटा सूचकांक में भारत के स्थान यदि खोज के होए तो 150-200 देश में नीचा से देखा जा पड़े छे, ऊपर से देखने 100 में 150 में नहीं भेटत, नीचा से देख पड़े छे जे बच्चा के स्वास्थ्य के स्थिति केहन छै, मातृ शिशु कल्याण केहन छै, गरीबी केहन छै, प्रेस स्वतंत्रता केहन छै, प्रजातंत्र के अवस्था केहन छै,
आर्थिक स्थिति केहन छै, प्रति व्यक्ति आय कतेक छै, औद्योगिकरण कतेक भेलैए, उद्योग खोलके सुविधा कतेक छै, जनस्वास्थ्य केहन छै, पिएके पानिके अवस्था केहन छै, बिजलीके खपत केहन छै, प्रति व्यक्ति कैलोरी कतेक लै छै, कोनो यदि सांख्यिकी देखके होय तऽ निच्चासँ देखऽ पड़ै छै। ई स्थिति सुधार करके लेल यदि धार्मिक अनुवादे पर लागल रहबै तऽ बड़ा मुश्किल छै। ई बात एहि बेरके बेलासँ प्रकाशित होबयवला इकोनॉमिस्ट पत्रिकामे सेहो किछु देल गेल छै। आ गप करै छी तहिना बातसँ बात निकलैत जाइ छै, तऽ ओहि पारमे बिहारके नीतीश कुमारके किछु दिन पहिने सुनलियनि, तऽ हमरा लागल जे नीतिविहीन राजनीतिके व्यापकता, भारतीय जनता पार्टी एकटा एहन वॉशिंग मशीन भऽ गेल छै जे जाहिमे कतबो भ्रष्टके धऽ दियौ, कतबो हत्याराके धऽ दियौ, कतबो अपराधीके धऽ दियौ, ओहि वॉशिंग मशीनसँ निकलै छै तऽ चमचमाइत एकदम गेरुआ रङ्गके, जाहिपर अहाँ देखबै तऽ सोझे हिन्दू विरोधीके ठप्पा लागि जायत, तेहन बनि कऽ निकलि जाइ छै। आ लगभग तेहने एहि पार आइ काल्हि भेल जाइ छथिन पुष्प कमल दहाल, जे कहियो एम्हर तऽ कहियो ओम्हर, नीतीश कुमारजीके नेपाली संस्करण उर्दूके छै ने, मेरा ईमान मुझसे क्या पूछती हो मुन्नी, सियाके साथ सिया, सुन्नीके साथ सुन्नी। तऽ ई नीतीश जी आब तऽ ककरो किछु नहि कह सकै छथिन, लगभग 2 दशकसँ कहियो भारतीय जनता पार्टीके साथ, कहियो लालू यादवके साथ सत्ता चलेलखिन, 20 वर्ष बहुत काफी होइ छै एकटा राज्यमे किछु तऽ कमसँ कम आर्थिक सुधार करऽके लेल। एखनो भारतके सबसँ कम प्रति व्यक्ति आयवला प्रान्त बिहार छै, आ ओहूमे उत्तरी बिहार ओहूसँ कम छै। तुलना अहाँ कऽ कऽ देखबै तऽ बिहारसँ लगभग 10 गुना बेसी प्रति व्यक्ति आय सिक्किमके छै, 8-9 गुना बेसी आय गोवाके छै। तऽ कहबै सिक्किम छोट प्रान्त छै, गोवा छोट प्रान्त छै, तऽ ठीक छै ने, यदि छोटो प्रान्त छै तऽ प्रति व्यक्तिवला बातमे तऽ से लागू नहि होइ छै, अहाँके तऽ बड़का प्रान्त अइ, बेसी स्रोत अइ, अतेक जनसंख्या अइ, तऽ 10 गुना नहि, दोब्बर फरक, तेब्बर फरक तक तऽ एकटा बात होइ छै ने। किया एतेक पिछड़ल रहि गेलै ताहि बातपर 20 वर्षमे सोचू कि नीतीश कुमारके आ ओकरा साथे जोड़ल लगभग भारतीय जनता पार्टीके पर, आ ओहूमे मिथिला क्षेत्र जकरा उत्तरी बिहार कहै छै, एक तऽ बिहार भारतमे सबसँ, संसारमे भारत सबसँ पाछामे एकटा, भारतमे सबसँ पाछा बिहार एकटा, आ ओहूमे सबसँ पाछा मिथिला क्षेत्र पड़ल। तऽ जे ओहि पारके मित्र सब छी से कनि सोचू, हमरा सबके लगैए जे नेपालमे सबसँ पाछा मधेश, आ मधेशोमे सबसँ पाछा जे मिथिला छी, तहू मिथिलाके जे छै से ओहि पारके मिथिलासँ किछु आर्थिक अवस्था बेस छै, बेहतर छै। अहाँ सबके मिथिला क्षेत्रमे 50,000 भारतीय रुपैआके लगभगमे जे आबैए, ओकर तुलनामे मधेशोके लगभग ओहिसँ किछु बेसी 60-70 लगभगमे चलि अबै छै, जेकि नेपालके औसतसँ सबसँ कम होइतोमे। तऽ एहि बातपर ओहि पारके मिथिला क्षेत्रके लोक सबके किछु विचार करऽके जरूरी, जे कोन कारणसँ शताब्दियोसँ से ई अवस्थामे छी, से जाति व्यवस्थाके बातके चलते छै कि नारीके स्थितिके कारणसँ छै कि शिक्षामे लगानी नहि करै छै ताहिके लेल छै कि, या सभ्रान्त पलायन जकरा कहै छै जे एलिट सब स्थानीय नेतृत्व नहि दऽ कऽ भागके जे प्रवृत्ति छै ताहि कारणसँ छै कि, तै सबपर किछु सोचनाइ जरूरी। आ एहि पारके बाद मधेशमे नेपाली कांग्रेस अखनो एकटा शक्ति छै, से तऽ मानऽ पड़त, नेकपा एमाले सेहो शक्ति छै, तऽ तिनका सबके सर्वधर्म समभाव पर
आव परतन जना बुझाइए धर्म निरपेक्षता कहते जना नांगर में आग लगा दल जका भ जाए छे तेना विधक के एक चलन शुरू भ गेले जे नहीं तो कम्युनिस्ट एजेंडा छे कम्युनिस्ट से कर लेना देना किछो नहीं छे धर्म निरपेक्षता पर नहीं छे कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट तो सीधा सीधा अनिश्वरवादी छे धर्म निरपेक्षता के सादा सीधा अर्थ छे जे धर्म आ राजनीति में धार्मिक मान्यता जे छे पाप पुण्य वाला बात कायम राखी लेकिन पाप पुण्य के परिभाषा जे छे से धर्म के नहीं कर दियो कानून के कर दियो संविधान के कर दियो संविधानवाद के कर दियो से छे धर्म निरपेक्षता के अपना राजनीतिक रूप में जो अर्थ छे बाकी सर्वधर्म समभावे से जोड़ल छे तो ये हिंदुत्व के राजनीति से नेपाले के मुक्त रखनाई जरूरी छे मधेश के खास का मुक्त रखनाई जरूरी छे कमंडल आ मंडल के राजनीति उदस गजा के दक्षिणे रह दियो जे जे कर के छे वो तो नहीं होई से कामना आई लेकिन कम से कम ई मधेश के सशक्तिकरण आ रूपांतरण पर अर्जुन दृष्टि रह चाहिए अ पार बात करत करत किछु लम्बा भ गेल जनकपुर के में संवाद साहित्य एकटा मैथिली साहित्य के बारे में विमर्श किछु लम्बा 4-5 दिन के किछु दिन पहिने भेल हमहू आमंत्रित छलहुँ किछु कारण से हम कहबे कयलहुँ जे एक तो विदेश लौटला के बाद कुमारी उतरऽ में समय से सहभागी नहीं होब सकौ सकलहुँ एकटा दोसर फेर किछु दिन के बाद होबऽ जा रहल छै निमंत्रण छल कूड़ा कर्णाली के कह के एक सुर्खियत में कर्णाली साहित्य उत्सव छे ओहो किछ व्यक्तिगत कारण से हम सहभागी नहीं होब सकब एक साहित्य सम्मेलन पोखरा में नेपाल साहित्य सम्मेलन 10 वर्ष बेसी भ गेल सेहो होब जा रहल छे इस साहित्य सम्मेलन के शुरुआत दिस देखबे ते ई चारू कात जे देखबे कतौ कतौ भ रहल छै पहिने हमरा याद है जे पुस्तक प्रदर्शनी होइ छलै ओहि में साहित्य चर्चा सेहो होइ छलै सबसे प्रसिद्ध त कलकत्ता बुक फेयर भेल एक ढाका बुक फेयर सेहो ई पढ़ के संस्कृति बंगाल में किछु बेसी सब दिन से रहल छै ढाका बुक फेयर में सेहो सहभागी हम भेल छी दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तक मेला होइ त हम काठमांडू से एक दू बेर गेल छी ओहिमे सहभागी होब जे कोन किस्म के एकटा आनंद होइ छै तो पुस्तक प्रदर्शनी से ई साहित्य सम्मेलन के एकटा फैशन के रूप में बढ़ाव में यदि कहबै दक्षिण एशिया में तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के देल जा सकैए श्रेय ई जनकपुर लिटरेचर फेस्टिवल सन 2006 से शुरू भेल आ अहू बेर किछु दिन पहिने भेल छलैए एकरा 2-3 टा देखबै जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एकटा तो टूरिज्म से एकरा पर्यटन से जोड़ा गेलै दोसर पढ़ के लोग के जे प्रवृत्ति घटत गेलै तो एकरा सुन के साहित्य के आनंद ली तै किस्म के लिटरेरी डिस्कर्स साहित्यिक वार्तालाप आ डिस्कर्सिव लिटरेचर प्रलाप साहित्य जकरा कहै छै एक विषय से दोसर विषय पर लक्ष्यहीन तरीका से जनाय विषयांतर अंतर्ज्ञान के जे साहित्य के मुख्य क्षेत्र छै ओय के बदला में तर्क के नाय वितर्क के नाय अइ किस्म के जे शुरू भेलै ई आब रोक क सकब वाला अखन नहीं बुझाइए पढ़ के संस्कृति ओना दुनिया भर में अखनो छै संसार में देखबै अखनो बहुतो जगह अब लोग बुझ रहल छै जे ई खाली स्क्रॉल करैत रहने असंतुष्टि बढ़त कुंठाए बढ़त किताब जे कोनो विचार संगे अपना के जोड़ के अवसर दे छै से अवसर अहाँ स्क्रीन पर पढ़ियो के नहीं आन सके छी तै किस्म के एकटा अनुभूति छोट समूह में लेकिन शुरू भेलै लेकिन ई डिस्कर्सिव लिटरेचर साहित्यिक वार्तालाप के संस्कृति सेहो स्थापित भेलै तेकरा मानऽ पड़त तो जनकपुर में जे होबऽ वाला छै दोसर ई संवाद ओहिमे यदि अहाँ सब रहब तो ओहूमे सहभागी हो आ एकरा
किछ वामपंथी मित्र सब कहे छथिन जे नहि ई पूंजीवादी सबके कब्जा में चल गेल छै। तो ठीक छै यौ बाबू, क्यों जेकरा संग में स्रोत छै सेहन साहित्यों के बढ़ावा देते। नया बात की छै, संगीतों के पहिने घराना सब अहिना कोनो स्रोत वाला सब करे। हाँ एकटा बात जरूर छै जे स्रोत वाला सब के क्षमता सँ जेना नाटक घर के निर्माण होई दिल्ली में देखबै, पुरान पूंजीपति सब के स्थापना कैल, या संगीत के अभ्यास के लेल वजीफा देनाई कहै छै, तै किसिम के परंपरा शुरू करनाई, ई बड़ा तात्कालिक रूप में भ रहल छै। जे एकटा मेला में देखा दियो, फेस्टिवल तो मेलाए भेलै ने, तो एकटा निरंतर स्पॉन्सरशिप कोनो देनाई तहु किसिम के पूंजीपति लोक सब के सोचबाक चाही। पुस्तकालय के स्थापना होइ जाहिमे कि पुस्तक के बारे में सब दिन बहस होइ, ओहू से त अहाँ के नाम भेटत, तै किसिम के सेहो सोच बढ़े, सेहो जे सुनय वाला केओ छी तऽ ओहू सब पर बात पर ध्यान देबै। हमर बात सुनलहुँ, पाहुन राम के तऽ दरबार भेट गेलनि, बेटी सीता के कवि रेवती रमन झा रमन के शब्द में कहूँ तो, सीता जन्म वियोगे गेल, दुख छोड़ि सुख कहियो नहि भेल। दुर्भाग्यवश सब बेटी के अवस्था लगभग अखनो तेहने छै। सीता जी के देखियौ, वनवास भेटलनि, अपन कोनो गलती नहि, बेइज्जत होबऽ पड़लनि। रावण के बनवाटिका में रहल ने, लेकिन आक्षेप की लगलन से अग्नि परीक्षा देव पड़लन। दोसर ककरो आक्षेप से गर्भवती सीता के अयोध्या से निष्कासन भेलन, आ शायद पृथ्वी पर अपन काज पूरा भ गेल देख, अपन सब दुख के वियोग के सब के अपने साथ लक सीता पृथ्वी के कोख में विलय भ गेली। मंदिर तो छै जानकी मंदिर, लेकिन उ जे सीता जिनकर जन्म आ विलय भेलै ओहि सीता के मंदिर अतः मात्र भ सकै छै। कोनो मंदिर बना कऽ मंदिर में राखि कऽ पूजा कऽ कऽ ओ सीता के आराधना, ओ वैदेही के आराधना, ओहि किशोरी जी के आराधना नहीं कैल जा सकैए। पाहुनों के जय जय हो, ओहिमे कोनो विरोध नहि है, लेकिन हम सब तो कहबै अयोध्या के माफ करिए हो किशोरी जी, न्याय नहि भेटल अहाँ के अयोध्या में। आ हमहू सब क्षमा प्रार्थी छी जे अहाँ के न्याय के लेल जे पुस्तो पुस्त आवाज उठक चाही आ अनेको सीता के न्याय भेटक चाही से संघर्ष अखनो चलि रहल छै। ऐक्यबद्धता बाहेक तौर की कर सकै छी। हमर बात सुनलहुँ, हम बहुत बहुत कृतज्ञ छी। अहिना हम गप मारै छी आधा घंटा से बेसी भ गेल, सुनलहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद। किशोरी जी सबके कल्याण करथिन, अपना पर ध्यान दिए। जय जय किशोरी जी, प्रणाम।